अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है फिश फ्राई। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये हैं हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया मुश्का फिश जो कि है 2 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून, अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च आपने 1/2 टेबल स्पून ले लेनी है, फिश मसाला आपने 1/2 पैकेट ले लेना है, साथ में हम 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया ले लेंगे। सबसे पहले आपने फिश में शामिल कर देना है 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है नमक 1/2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड करने, क्योंकि फिश में मसाले धंस जाते हैं तो ज़्यादा नमकीन या स्पाइसी हो सकता है। फिर आपने लाल मिर्च शामिल करनी है, हल्दी शामिल करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, साथ में आपने शामिल करनी है अजवाइन, उसको हाथों से आपने ऐसे मसल के शामिल करना है। उसके बाद सूखा धनिया और जीरे को भी आपने बिल्कुल इसी तरह हाथों से मसल कर शामिल कर देना है। उसके बाद सारे मसाले को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले आपने ड्राई मसालों को फिश के साथ मिक्स करना है, जब वो मिक्स हो जाए तो आपने उसमें फिश मसाले का पैकेट डाल देना है। फिश मसाले का 1/2 पैकेट आपने इसमें शामिल करना है और उसके बाद सब मसालों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेना है। खैर, ये मेरे बाबा की रेसिपी है तो वो बना रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ। जब आपके सारे मसाले अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएं तो आपने इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर है, आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इसमें हाथ में डाल के आपने फिश पे लगाना है और फिश को अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मिक्सिंग को आसान करने के लिए आपने पानी की 1 या 2 टेबलस्पून आप हाथ में पानी लेके उसके साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। यूँ बहुत ईजीली मिक्स हो जाएगा, जिस तरह मेरे बाबा कह रहे हैं आप उस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आपने फिश को ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे तरीके के साथ मसाले धंस जाएँ। अगले दिन आपने ऑयल गरम करना है, उसमें फिश शामिल करनी है। ये ऑलरेडी एक बैच मेरी मम्मा बना चुकी थी, ये सेकंड बैच था। और ये देखें हमारी मज़ेदार से फिश बनकर तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।